तुम्हारा एक्टिविटी और तुम्हारा रिजल्ट जो तुम चाहते हो उसमें बड़ा मिसमैच है। तो अपने आप को अरेंज करना है। और एल्बर्ट इयन ग्रे ने एक खूबसूरत बात कही है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल कोट है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस टू एवरी मैन हु हैज एवर बीन सक्सेसफुल इज दैट ही फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग द थिंग्स विच फेलियर्स डोंट लाइक टू डू। फेलियर बोलता है अरे वजन नहीं घटा तो क्या होएगा, क्या फर्क पड़ेगा, लाइफ को तो मैं एंजॉय कर रहा हूं ना, मजा तो आ रहा है ना, मैं छोले भटूरे खा रहा हूं, सैंडविच खा रहा हूं, कुछ तबियत बिगड़ गया तो है ना मेडिक्लेम अपने पास, क्या टेंशन है। तो फेलियर लोगों का क्या एटीट्यूड रहता है लाइफ में कि मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है, परिणाम उसका कुछ भी निकले। सक्सेसफुल लोग वही काम करते हैं जो सही होता है, जरूरी नहीं है कि उनको वो काम पसंद होता है। मुझे 6 बजे उठ के वॉकिंग जाना पसंद नहीं है, फिर भी मैं उठ के जाऊंगा क्योंकि ये सही है। मुझे टीम डेवलपमेंट करना, ज्यादा ट्रेनिंग वेनिंग देना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है इससे ही रिजल्ट आएगा, ये सही काम करना है मुझे। सो आपको वो हैबिट्स बनाने हैं जो आपके रिजल्ट को पाने के लिए अनुकूल हो, वो हैबिट्स नहीं बनाने हैं जो आपको पसंद हो। हाँ, पसंद भी हो अनुकूल भी हो तो बढ़िया है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जो खाने में अच्छा लगता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है खाने में मजा नहीं आता। ये जिंदगी की विडंबना है, क्या करें। और यहां पर आती है डिसिप्लिन की बात, हमारी सेल्फ कंट्रोल की बात। किसी ने ये कहा है कि अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो मंजिल कैसा है, अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो मंजिल कैसा है, अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ता जैसा भी हो चल पड़ो। 10 लाख रुपया कमाना है साल का, बड़ा खूबसूरत मंजिल है। अब रास्ते में जो तकलीफें आएगी, जो प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, अच्छा लगे नहीं लगे करना है, क्योंकि मंजिल खूबसूरत। वो होता है ना फेसबुक में बिफोर एंड आफ्टर फोटो डालते हैं लोग, 3 महीने पहले मैं ऐसा दिखता था, अब 3 महीने के बाद मैं ऐसा दिखता हूं। ये खूबसूरत चीज आप अपने आप को आईने में देखना चाहते हैं 3 महीने के बाद, तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो आपको पसंद नहीं है। तो क्योंकि अगर आप जिंदगी में वही काम करेंगे जो आपको पसंद है, तो हो सकता है आपको वो मिले जो आपको पसंद नहीं है। अगर आप जिंदगी में वो सब करने के लिए तैयार है जो आपको पसंद नहीं है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको वो मिलेगा जो आपको पसंद है। तो एग्जीक्यूशन माइंडसेट पे आना है, डिसिप्लिन रखना है, और फिर पूरी तरह से भिड़ जाना है उस प्रोसेस के अंदर, अपने आप को कमिट कर लेना। नेक्स्ट इन द स्मार्ट प्रिंसिपल इज रिजल्ट ओरिएंटेशन, राइट। अब रिजल्ट ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि सक्सेस उन लोगों को मिलता है जिनके अंदर भूख होती है। सक्सेस किसको मिलता है, जिसके अंदर भूख होती है। खाना खाने में कब मजा आता है, मैक्सिमम मजा कब आता है खाना खाने में, जब भूख लगती है, और आदमी को तीव्र भूख लगी और आपको घर पे पहुंचा 9-10 बजे, बोला बीवी से कहा या मम्मी से कहा मुझे खाना दो बहुत भूख लगी है, मम्मी बोले कि बेटा आज तेरा फेवरेट लौकी बना है, तुमको जन्म जन्म से लौकी से नफरत है, फिर भी तुम खा लोगे बड़ी मजे से, क्यों, क्योंकि तुमको भूख लगी है, करेला भी खा लोगे क्योंकि तुमको भूख लगी है। तो पानी पीने में कब मजा आता है, जब प्यास लगती है, ऐसे पीने में मजा नहीं आता, जब प्यास लगती है तो बड़ा मजा आता है।
और रिजल्ट ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि मुझे पैसा मेहनत का नहीं मिलता है, मुझे पैसा रिजल्ट्स का मिलता है। ये जिसको समझदारी है जिंदगी में, वो जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। बिकॉज यू नेवर गेट पेड फॉर हार्डवर्क, यू ओनली गेट पेड फॉर। अरे आड़ी सर आप समझते नहीं हो, मैं तो महीनों से रोज सुबह 6 बजे उठ के 12 बजे तक काम करता हूं, अभी गोल शीट पूरा नहीं किया तो मैं क्या करूं, मेरा किस्मत खराब है। तो क्या ये अप्रेजल में एक्सेप्टेबल होगा? ये अप्रेजल में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बोलेंगे फाइनली रिजल्ट तो नहीं आया ना बॉस। हाँ अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे लाया जाए, लेकिन मेहनत का पैसा नहीं मिलता है, रिजल्ट का पैसा मिलता है। और ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेशन। आज आप विराट कोहली को देख लीजिए, उसके अंदर एक परफॉर्म करने का भूख इसलिए भी है क्योंकि उसको पता है अगर मुझे रेलेवेंट रहना है, मुझे इस टीम में बना रहना है, मुझे अपना करियर आगे बढ़ाना है, तो मुझे रन बनाने पड़ेंगे बॉस। मैंने पहले क्या किया उसका कोई मतलब नहीं है। आज आप पहले कितने सक्सेसफुल मैनेजर थे उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आज आप क्या कर रहे हैं ये दुनिया देखती है। इट्स ऑलवेज अबाउट टुडे, नॉट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट और व्हाट विल हैपन टुमारो। सो फोकस ऑन द टुडे। और लास्ट ये स्मार्ट प्रिंसिपल पे हम बात करते हैं, टेम्परामेंट। अपना टेम्परामेंट को बढ़ाइए। ये बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर कभी मौका मिलेगा तो अलग से भी बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है हमारे देश में, हम टैलेंट के ऊपर, स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, और स्किल पर तो देना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन हम टेम्परामेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। टेम्परामेंट का मतलब होता है द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब प्रेशर। कुछ लोग गोल शीट को देख के ही मतलब समझ में नहीं आता उनको अभी क्या हो गया मेरे साथ जिंदगी में। कुछ लोग उस जर्नी के दौरान प्रेशर में आ जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखिए, बड़े बड़े लीडर्स को देखिए, ये उनका उनका देयर सक्सेस इज नॉट बिकॉज ऑफ ओनली द टैलेंट और द स्किल, इट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परामेंट, इट इज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड हैंडल प्रेशर एंड नॉट टू गिव इट अवे। आरडी सर को जितना प्रेशर आता होगा उसका शायद 20% वो आपके ऊपर डालते होंगे, बाकी वो अब्सॉर्ब करते हैं, नहीं तो वो लेवल पे आप काम नहीं कर सकते। अगर आपने विंबलडन मैच देखा होगा, विंबलडन फाइनल, नोवान जोकोविच एंड व्हाट इज द अदर न्यू प्लेयर्स नेम इज किर्गियोस, इफ आई गेट हिज नेम करेक्ट, वो जो ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, जोकोविच इज फ्रॉम सर्बिया आई थिंक, इतना बढ़िया खेल रहा था वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, लेकिन और जीतने की पूरी संभावनाएं थी उसके पास, विंबलडन टाइटल जीतने की पूरी संभावनाएं थी उसके पास, लेकिन जैसे ही वो कुछ पॉइंट्स हारना शुरू किया उसने, तो उसका टेम्परामेंट ने उसको धोखा दे दिया, फिर वो थोड़ा हरकतें करने लगा, गुस्सा होने लगा। और जोकोविच वो इतना बढ़िया कॉम्पिटिटर है, उसके सामने इज फाइंडिंग द मैच सो डिफिकल्ट, बट ही वॉज एब्सोल्यूटली काम राइट टिल द एंड एंड ही फाइनली वन द टाइटल। ये होता है बिग मैच टेम्परामेंट जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पास है। उन्होंने जिंदगी में कभी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, पिछली बार उन्होंने दुबई में जो हुआ था कॉन्टेस्ट, वो उन्होंने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता और उनको किसी ने ज्यादा चांस नहीं दिया था। क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस में खास बात होती है, आप कभी नोटिस करना, और जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आते हैं ना, अगर वो फाइनल तक गए ना वही जीतेंगे, क्योंकि वो प्रेशर में क्रैक नहीं होते। दे हैव गॉट व्हाट इज कॉल्ड एज ए बिग मैच टेम्परामेंट। आप भी रोज एक मैच खेल रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर, अपने कार्य के अंदर, आप एक मैच खेल रहे हैं और आपको वो बिग मैच टेम्परामेंट लाना है, काम रहना है, कामनेस के लिए मेडिटेशन करना है, सीखना है मेडिटेशन। अगर आपको नहीं आता होगा, मतलब जिंदगी का दिन का शुरुआत मेडिटेशन से ही होना चाहिए,
तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा दिन आप बढ़िया तरीके से अपने एनर्जीज को मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो स्मार्ट का मतलब है स्मॉल इज बिग, एस फॉर स्मॉल इज बिग, मेजर आउटपुट बट फोकस ऑन इनपुट, ए अरेंज योर सेल्फ, डिसिप्लिन लाइए, सेट योर सेल्फ अप फॉर योर सक्सेस, आर इज फॉर रिजल्ट ओरिएंटेशन एंड टी इज फॉर टेम्परामेंट। जाते जाते आपको एक एक्टिविटी मैं बताऊंगा जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज इस सेशन के बाद आप थोड़ा सा समय निकालकर उस एक्टिविटी को कीजिएगा। अगर ये वर्कशॉप होता, हमारे पास समय होता तो मैं कराता आपसे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू दिस एक्टिविटी। और वो ये है कि हाउ विल यू अप्लाई द स्मार्ट प्रिंसिपल विच इज स्मॉल इज बिग, मेजर आउटपुट बट फोकस ऑन इनपुट, ए अरेंज योर सेल्फ, आर रिजल्ट ओरिएंटेशन, टी टेम्परामेंट। हाउ विल यू अप्लाई द स्मार्ट प्रिंसिपल इन अचीविंग द पैरामीटर्स इन योर गोल शीट। अपना गोल शीट के पैरामीटर्स को देखिए, वो आउटपुट ओरिएंटेड होंगे कि मुझे इतना कमाना है, इतना बिजनेस करना है, ये आपकी इच्छा है, ये आपका डिजायर है। हाँ, कंपनी ने दिया है लेकिन ओनरशिप आपको लेना है, जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, राइट। तो उसको देखिए, फिर देखिए कि मुझे कौन से एक्टिविटीज करने पड़ेंगे रोज, सो दैट मंथ ऑन मंथ आई एम एबल टू अटेन व्हाट इज गिवन इन माय गोल शीट। तो जाते जाते आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा और कुछ अच्छी बातें हमको सीखने को मिली। जाते जाते बस एक शायरी के साथ क्लोज करूंगा, फिर आई हैंड इट बैक टू आरडी सर, कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को जियो इस अंदाज में, जिंदगी को जियो इस अंदाज में कि लोग आपको देखकर कहे कि वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत।